Disco. तो हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। कैसे हो भाई? आई होप सब अच्छे हो गए, अपने घरों में सेफ हो गए। तो भाई आज हम वॉशिंग कराना आए हैं अपनी क्रेटा दीक्षित भाई की गाड़ी है। तो भाई भी साथ ही आए हैं हमारे, तो लास्ट में उनको मिलवाएंगे अगर हो पाए तो। वो थोड़े शाही हैं, कैमरे के सामने आते नहीं है। तो गोलू भैया आ चुके हैं जिनसे हम वॉशिंग वगैरह यहाँ पे अपनी रेगुलर बाइक वगैरह की कराते हैं, और फॉर्चुनर वगैरह की देखी थी आपने। तो काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे चोट वगैरह लग गई थी हाथ पे। तो वही अपना भैया आ चुके हैं, ये रे भैया वो देख लो, क्रेटा है भाई। 2 साल हो गए गाड़ी को, बोनट वगैरह मतलब कंपनी में तो जाती है सर्विस उन, पर अभी टाइम है थोड़ा, 10,000 चल चुकी है। और तो बोनट वगैरह खोल के अब इसकी अच्छी तरह फॉर्म वॉश कराएंगे बढ़िया वाली, उसके बाद लाएंगे बुलेट भाई की। अगर मतलब काम तो अच्छा ही है भाई का, मैंने बताया जैसे कि, तो करते हैं एक बार। देख लो आप थोड़ी सी गाड़ी अंदर से, ये रहा सारा कुछ। तो ऐसा है भाई, हो जाती है गंदी, अंदर से तो साफ ही रहती है, पर बाहर से जैसे रफ टफ चलती है, एलोए लग रहे हैं 17 इंच के, तो थोड़ी मिट्टी वगैरह में भी जाती है, गंदे पानी में जाती है, तो छींटे वगैरह लग जाती हैं बहुत। तो फिर भी काफी हद तक साफ है, तो चलो करवाते हैं। अभी एक अंदर स्विफ्ट की डिटेलिंग वगैरह हो रही है, उसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद करते हैं शुरू। तो मीटर दिखाओ आपको कितनी चल चुकी है। तो ये चल गई ऑलमोस्ट 13,133 समथिंग चल गई। बीच में स्पीड वगैरह का सब कुछ आ जाता है, वो सारा रिव्यू आपने देखा है। इसकी रील वगैरह भी डाल रखी है हमने मेरी चैनल मतलब इंस्टाग्राम पे, तो वो आप चेक कर लेना एक बार जाके। तो चलो अब आपसे सीधा जब मिलते हैं, जब गाड़ी अंदर लग जाएगी, अपना वॉशिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। तो भाई बोल रहे थे कि वैसे गाड़ी की वॉशिंग की जरूरत नहीं है, साफ है देखो, पर फिर भी करानी है थोड़ी अंदर वंदर से। भाई का बोर्ड वगैरह दिखा देते हैं एक बार आपको, ये रहा बोर्ड देख लो, सारा नंबर वंबर आ रहा है, क्रेटा का नंबर है। तो है साफ तो है गाड़ी वैसे पूरी, पर फिर भी करानी थी भाई को, मन था थोड़ा करा देते हैं एक बार। चलो देख लें एक बार यहाँ पे सब हो रहा है काम, मिलते हैं वॉश स्टार्ट हो जाने उसके बाद मिलते हैं फिर, ठीक है। तो भाई ये खुल चुकी है गाड़ी, मतलब अपने मैट्स वगैरह निकाल दिए हैं इसके, ये देखो निकाल के इधर रख दिए सारे, ये रे एलोए वगैरह तो इसके हैं ही ऑसम। ये रे ओनर भाई हमारे, यहाँ से वैक्यूम वगैरह स्टार्ट हो रहा है इसका, सारी क्लीनिंग वगैरह अंदर की ड्राइव डस्ट जो होती है वो सारी निकल जाएगी। नीचे देखो का कुछ हो रहा है क्लीन वगैरह अच्छी तरह बिल्कुल, ये जो डस्ट वगैरह सब पड़ा हुआ है कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो भाई हो चुकी है अपनी वॉशिंग शुरू, ये देख लो। बढ़िया से मडगार्ड वडगार्ड सारे, अभी बोनेट भी खुलेगा, टायर वायर बिल्कुल एलोए चमक जाएंगे जब बाहर निकलेगी ना गाड़ी, तो देखना एक बार। इधर की हो चुकी है फॉर्मिंग वगैरह, होगी अब बस इधर। ये देख लो बोनेट तो खुल चुका है, यहाँ कर भी दिया बोनेट, इसका कुछ ज्यादा ही गंदा हो रहा था तो वो कराना जरूरी था। शीशे पे फॉग सी हो गई है, मस्त बिल्कुल चमक जाएगी अब कार, गाड़ी बिल्कुल मस्त हो जाएगी। अब बस भाई वो करने वाले हैं, फॉर्म करेंगे उसके बाद रबिंग वगैरह सारी पूरी अच्छी तरह कार को रब करके वही साफ सफाई कर देंगे। ये रेडिएटर हो रहा है, स्विफ्ट देख लो यहाँ पे, स्विफ्ट की भी डिटेलिंग चल रही है पूरी, इसकी रबिंग वगैरह सब हो रही है स्विफ्ट की, इन सबको बाद में कवर करेंगे। मेन मोटिव ये है वीडियो बनाने का कि यहाँ की सर्विस दिखानी है, काफी अच्छी है, भाई को भी मतलब अच्छा लग रहा है दीक्षित भाई को। देख लो पूरा बोनट बोनट अपनी डिग्गी खोल के, सारे चारों डोर्स खोल के साफ हुए हैं यहाँ पे। ये चल रही है पीछे, इसके एलोए भी हल्के हल्के बाहर दिखते हैं, देखो पीछे देखो 17 इंच वाले। छत वत हो चुकी है मस्त, अब फॉर्मिंग हो जान दो उसके, फॉर्मिंग करते वक्त मिले। तो भाई ये देखो इधर हो चुकी है शुरू फॉर्मिंग अपनी पूरी, फॉर्म वाइट कर दी कार,
फॉर्म से डाल के। कैमरा शायद इतना जस्टिस नहीं करता, पर रियलिटी में बड़ी मस्त सी लगती है फॉर्म जब होती है ना। देखो मशीन कितनी तगड़ी है इसकी, सारे मैट्स वगैरह खुले पड़े हैं, तो थोड़ी टाइम लेफ्ट इंजॉय करो। अब तो भाई ये देखो यहाँ पे अपनी फॉर्म वगैरह सारी हटा दी है, रबिंग करके अच्छी तरह कपड़ा वपड़ा मार के पानी मार रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है मतलब ये सारा काम। ये देखो एलोए का तो ये जो अंदर इसके ड्रम ब्रेक है इनका कलर ही बदल गया था बिल्कुल, अभी येलो दिखने लगे हल्के हल्के, वैसे गोल्डन कलर है इनका, दोबारा पेंट कराएंगे इनको भाई, वो भी दिखा देंगे हम सारा कुछ। अभी एक दो दिन में करोल बाग जाएंगे, वहाँ देखते हैं क्या काम कराते हैं इसमें, फिर दिखाएंगे बाकी का। अभी तो वॉशिंग ही देखो आप, मतलब डस्ट ऐसे निकल रहा है। ब्राइटनेस अगर पूरी बंद करें तो देखो एलोए का कलर कितने, मतलब सिल्वर पूरे नए के नए चमक रहे हैं ये। इसी चीज का मजा है भाई। अभी भैया बैक करके भी लगाओगे गाड़ी? अभी एक बार बैक नहीं, यहीं से हो जाएगा। पाइप पहले छोटा पड़ रहा था, आ गया पूरा, एक्सटेंशन वगैरह कर दिया है उसमें, अब यहाँ से कर देंगे पीछे। मस्त हो चुका है अपना काम, थोड़ी देर और लगेगी, अब बस 10-15 मिनट। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे आ जाना, जो भी आपको मतलब नंबर वगैरह है वो सारा स्क्रीन पे रहा, आ जाओ यहाँ पे ऑटो ग्लो पे, सेक्टर 16 रोहिणी, मतलब सेक्टर 17 और 16 के डिवाइडर पे, यहीं पे है इधर ही है, तो आ सकते हो। ज़्यादा कोई अंदर गलियों में जाके नहीं है, मेन रोड के जस्ट साइड में ही आके है, तो अपनी नीचे से देखो। चलो मिलते हैं, पॉलिशिंग वगैरह पे मिलेंगे। तो भाई हो लिया अपना काम पूरा, बस मतलब सारी गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा लग चुका है, एक बार अंदर से दिखा दूँ। पन्नी चढ़ रही थी भाई ने, पन्नी उन्नी सब उतार दी, ये देख लो मस्त अपना। ये थोड़ी गंदे से हो रहे हैं, इन पे चढ़ने जाएगा सीट कवर, अभी जाएंगे हम एक दो दिन में, मैं और भाई करोल बाग जाएंगे। तो हो गया देखो, डोर पैनल वगैरह मस्त चमक चुके हैं बिल्कुल। ये आगे के देख लो एक बार, डैम्प हो रही है गाड़ी पूरी, तो बड़े हैवी फील होते हैं। ये देखो मस्त अपना, लाइट्स वगैरह इसकी ऑन नहीं होंगी, अभी चाबी लगेगी जब ऑन होगी। DRL वगैरह जल जाती हैं ऐसे, ये देख लो इतना शीशा वगैरह सब, डैशबोर्ड पूरा क्लीन मस्त बिल्कुल। ऐसे कार का कुछ ऐसे आता है हॉर्न पॉन। आगे से देख लो बोनेट वगैरह क्लोज कर दिया पूरा साफ करके बिल्कुल मस्त। हो चुकी है पॉलिशिंग वगैरह होएगी शायद, ये कर रहे हैं इधर भैया शुरू, देख दिखाता हूँ चलो आपको, थोड़ी देर हम बात कर लेंगे इतने पर। ये लगाई इस पर मार दिए इधर, पूरा हो गया है डोर क्लीन। बाहर भी होगी भैया पॉलिश, अंदर पूरा कर देंगे, मतलब अच्छे प्राइस हैं, ज़्यादा कुछ महंगा वगैरह नहीं है, वो आप कांटेक्ट करके इनसे पूछ लेना सारा सामान वगैरह। ये इधर चलो सारे डोर्स वगैरह करके, फिर एक बार धूप में बाहर खड़ी करके जब दिखाएंगे खाली रोड पे। अब चलो जब ही मिलते हैं, जब पूरा मैं इसका रिव्यू करूँगा कैसी वॉश हुई है कैसा, भाई अगर मिलना चाहेंगे तो भाई से मिलेंगे। ठीक है चलो ओके मिलते हैं।
तो भाई ये यहाँ पे हो चुकी है अपनी पॉलिशिंग वगैरह सारी शुरू। टायर की वो डैशबोर्ड जितने भी अपने ब्लैक पार्ट हैं सबकी अलग अलग आती है। अब डैशबोर्ड की अलग थी, टायर की अलग, पॉलिश देखो टायर पे शाइन देखो पीछे वाले पे भी, और ये जो ये वाले पार्ट्स हैं इनकी अलग, इसकी अलग, सब चीज़ों की मतलब इनकी डैशबोर्ड की पूरी अलग अलग आती है भैया बता रहे थे। तो ये भाई अलग पॉलिश से कर रहे हैं, दोनों भैया अलग वाली पॉलिश से कर रहे हैं, वो देखो इन पर ब्लू थी है इन पर रेड है, तो दोनों अलग अलग हैं। पूरा टायर मस्त हो गया अपना, ग्रिल वगैरह सारी बढ़िया बिल्कुल। पीछे भी हो चुकी है डन अपनी, लेके चलेंगे इसे एक बार एक खाली रोड पे से लगाएंगे, एक आधी फोटो वगैरह लेंगे जो भी होगा, पूरा दिखाऊंगा वहाँ पे भी कि कैसी लग रही है। तो चलो तो भाई आगे हैं हमें खाली रोड पे, देख लो जरा कार की क्या शाइन आ रही है, मस्त बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, मतलब ऐसी लग रही है कि अभी शोरूम से आई हो, ट्रक को निकल जान दो। तो ये देख लो भाई एक बार आप, पूरी बढ़िया मतलब मस्त लग रही है ओवरऑल जो कहना है। भाई को भी अच्छी लगी वॉशिंग होके, वो भाई कह रहे हैं कि मैं यहीं आया करूँगा अगर शोरूम पे अभी टाइम रहेगा सर्विसिंग वगैरह में, तो इधर साइड ही आया करेंगे। तो चलो भाई यही थी हमारी आज की वीडियो, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना भाई। ओके।